हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और माइनक्राफ्ट में हम जाने वाले हैं एक ऐसे धुआंधार वर्ल्ड में जहाँ पे हमें सिर्फ करनी है फार्मिंग, और उससे ही हम मार देंगे अपने ड्रैगन को। तो हमको सिर्फ ये करना है कि हमें फार्मिंग करनी है, और हमें लिटरली कुछ भी मिल सकता है। लिटरली कुछ भी मतलब हमको कुछ भी ओपी आइटम मिल सकता है, इतना ओपी कि तुम लोगों ने कभी सोची भी ना होगी। बेडरॉक ब्लॉक ऑफ डायमंड इस अरे 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 यार, कौन बुलाता है इसको? कौन है भाई ने वाटर बकेट ट्रिक करी है ढंग से? मुझको नौकर समझा है क्या? फिर से अब तुमको दिखाऊंगा असली वाटर बकेट ट्रिक, ये देखो। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे बेसिक काम से। हमको सबसे पहले बनाना होगा एक, मतलब हमको तोड़ना होगा सबसे बेसिक काम जो है वुड तोड़ना। तो हम वुड तोड़ेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे थोड़े से प्लैंक्स, उससे हम जो भी है तुमको पता ही क्या क्या करना होता है। तो पहले मैं वुड इकट्ठे कर लेता हूँ, और फिर उसके बाद हमको सबसे बड़ा काम करना है एक विलेज ढूंढने का। तो विलेज मिल जाए तो अच्छा होगा। और मेरे बोलते बोलते ही एक विलेज मिल गया है, पता नहीं कैसे। अपना स्पॉन बगल में ही था, और मैं बोल रहा था कि विलेज ढूंढना पड़ेगा, ये वो ये वो। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, एक चेस्ट ढूंढनी पड़ेगी जिसमें कुछ खाने वाने को मिल जाए। या ही बेल तो दिख ही रहा है वहाँ पे। ऐसा करते हैं, एक बार सारे घर चेकआउट कर लेते हैं, हमको कुछ क्या होता है डायमंड डायरेक्ट मिल जाए, डायमंड वायमंड तो मज़ा आ जाए। सारे नल्ले वेजर रहते हैं क्या इनके घर में? कुछ नहीं। और ये बोर्ड पता नहीं क्यों इधर लग जा रहा है। लाइट ले लो यहाँ से, ये काम आएगी। भाई साहब देख रहे हो, नेचर फ्रेंडली घर बना रखा है। पूरी विलेज में एक चेस्ट मिली है, इसमें भी कूड़ा है। शेडल रख लेते हैं, और अब तोड़ते हैं अपना वीट, इससे बनाते हैं ब्रेड। और सबसे इम्पोर्टेंट काम तो हम भूल ही गए, हमको जो इसमें करना था वो था हमको वीट तोड़ना था। उसके अलावा सारे काम किए हमने, ये सब तोड़ देते हैं। थोड़ा सा क्या पता एक दो सीड्स और मिल जाए तो मज़ा आ जाए अगर हमने इसको तोड़ा। अरे पहले इसको हटाओ यार, ये फालतू चीज़ें भरी है ना अपनी इन्वेंट्री में। तो अगर हमने इसको अभी तोड़ा तो हमको मिलने चाहिए कुछ ओपी आइटम। क्या कर रहा है अंदर? ओए छोटू, तो तोड़ते हैं, और हमें मिलना चाहिए कुछ ओपी आइटम। ओह भा, नेदरराइट की पिकैक्स, और इस पे शार्पनेस एफिशिएंसी अनब्रेकिंग फॉर्च्यून, वो भी 10। इतना होता भी? ओ भाई साहब, ब्लॉक ऑफ गोल्ड, वो भी 16 ब्लॉक। भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही ओपी हो रहा है, इसको तोड़ के देखते हैं क्या मिलेगा। ओ भाई साहब, पोशन भी मिल रहा है। इसका पोशन क्या है? पोशन ऑफ रेसिस्टेंस, ये पता नहीं मैंने कभी यूज़ ही नहीं किए। एरोज मिल गए, वो एक स्टैक एरो। इसमें देखते हैं भाई, खतरनाक। एक और भाई पिक पिक एक्से दो क्या? ओह कित इसकी कितनी पावर है, मैंने टच करते ही टूट जा रहा है। टच किया बस मैंने, देखो ये देखो, एक और दिखाता। ओ क्रिएटिव से भी फास्ट, मतलब टच करने में उसमें टाइम लगता है, ये तो बस टच। खतरनाक ही हो रहा है भाई ये तो। ए पहले से ही कोई पोशन पड़ा है इधर। ओ चलो एक्स मिल गई है अपने को। चलो पिकैक्स के साथ एक एक्स भी आ चुकी है, और पता नहीं इतनी सारी पिकेक्स दे दी है। अपनी एक्स भी बहुत मस्त है मेरे को लग रहा है। नेदराइट की मिल गई डायरेक्ट। अभी 2 मिनट नहीं हुए मेरे को इस वर्ल्ड में आए हुए, और यार एक तो ये पिकेक्स से मैं ना परेशान हूँ। इतनी पिकेक्स दे दी है मेरे को, ऐसा लग रहा है कि मेरे को पूरा धरती खोद के इनको आसमान और धरती मिक्स करना है। पता नहीं मैंने क्या बोला, पर पता नहीं क्यों दे रहे हैं पिकेक्स। कुछ बढ़िया दो यार, अब बढ़िया बेडरॉक ब्लॉक ऑफ डायमंड, इससे ज़्यादा तो हमको क्या ही ओपी मिलने वाला है इसमें, मेरे को तो पता नहीं। डायरेक्ट 8 ओपी और 32 सीधा बेडरॉक ही दे दिए हैं। बेडरॉक क्या इसमें ड्रैगन को फंसा के उसके साथ गरबा खेलूं? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं ना, ये सारा तोड़ते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं हमको क्या क्या ओपी आइटम मिला है, और क्या क्या। ट्राइडेंट मिल चुका है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ट्राइडेंट और एक और एक्स, और ये ब्लॉक ऑफ डायमंड। भाई डायमंड तो भाई ऐसा लग रहा है कि यूं ऐसे ही फालतू चीज़ लग रही है कि ऐसे ही दे दे रहे हैं।
इतनी देर तक लोग माइनिंग करते हैं फिर डायमंड मिलता है, और यहाँ हमको डायरेक्ट ब्लॉक ऑफ डायमंड्स मिल जा रहे हैं। इतना ऐसा करते हैं, एक बनाते हैं चेस्ट, और उस चेस्ट में हमको रखना पड़ेगा ये सारा सामान, जिस जो हमको 10-15 पता नहीं कितनी पिकैक्स दे दी है इन लोगों ने। और ये कौन यूज़ करता है भाई, इसको फेंको पहले तो। चल तू भी चल, इतना सामान आ गया है मेरे पास कि हम समझ नहीं पा रहे हैं करें क्या। वो उठा लेते हैं और ये सारा सामान भी ले ही लेते हैं, देखते हैं क्या क्या करना है, क्या काम का क्या नहीं। तो इन सबको तोड़ के कुछ देखते हैं हमको बढ़िया बढ़िया सब आइटम क्या क्या है। तो जब से सबसे मस्त चीज़ हुई है वो है हमको मिल गया है मुफ्त का ऑब्सीडियन। तो ऑब्सीडियन हमको मिल गया है तो हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बनाते हैं। बगन कौन है यार ये, मार यहाँ से। तो भाई नॉकबैक देखो तुम इसका कितना खतरनाक है, ड्रैगन को ऐसे ही मारेंगे। अब तुम ऑफकोर्स सोच रहे हो कि मैंने बकेट क्यों बनाई, पानी लेने के लिए, और पानी से हम लेंगे सीड्स ताकि हमें जल्दी जल्दी सीड्स मिल जाए और हम और लगा सकें और ले सकें थोड़े और भी ओपी आइटम्स। तो जबकि हमारे पास हो चुके हैं अब इनफ वीट सीड, तो उसको लगाते हैं और बनाते हैं अपने फार्म को और भी ओपी। तो जो एक चीज़ बची थी वो थी पैंट्स, और उसके अलावा सब कुछ मिल चुका है, तो इसको भी हम क्राफ्ट करके इसमें लगा देंगे। और ये बन गया हमारा फुल नेदरराइट आर्मर। और ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ दिल को सुकून देती है जब ये नेदरराइट कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपना ऑब्सीडियन लेके एक नेदर पोर्टल, जिससे हम अपना बाकी काम शुरू कर सकते हैं। फाइनली अपना नैदर जाने का काम तो हो चुका है, तो सीधा चलते हैं नैदर। और यहाँ पे देखते हैं हमको हमारे दो ऑब्जेक्टिव होंगे इधर। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमको यहाँ पे ढूंढना एक फोर्ट्रेस जिसमें हमें मिलेगी ब्लेज रॉड। सेकेंडली हमें चाहिए एक पिगलिंग, अगर वो हमको मिल जाए तो उससे डायरेक्ट ही हमको मिल जाएगा एंडर ऑफ आई या एंडर पल्स। और एक और एड ऑन कर लेते हैं, थर्ड हमको चाहिए होगा एक एंडरमैन का वो फार्म एरिया जो भी होता है, वो बायोम जहाँ पे हमें ढेर सारे एंडरमैन मिल जाएं, तो हम वहाँ पे डायरेक्ट जाके एंडरमैन को मार के एंडर आई ले लेंगे। हमको मिल जाएगी ब्लेज रॉड और उसके साथ हम बना देंगे उसके वो एंडर पर्ल, ताकि हम अपना एंड सिटी ढूंढ सकें। तो सबसे पहले तो ये पिगलिंग वगैरह तो मेरे को दिख नहीं रही, दूसरे नकली वाले पिग घूम रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़े से बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ से उठा लेते हैं ताकि कहीं पे ब्रिज करना हो तो अपने को आसानी रहे। तो गोल्ड वोल्ड भी अपने पास काफ़ी पड़ा है, तो डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए भी हम लोग गोल्ड भी उठाते रहेंगे यहाँ से। अगर हमें कोई गोल्ड गोल्ड मिल गया बोलते बोलते ही, तो ये गोल्ड भी सब उठा लेते हैं। और हमको ये सब गोल्ड उठा के हमको डायरेक्ट फोर्ट्रेस ढूंढना है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। और सेकंड चीज़ तुमको बताइए, और यहाँ से निकलना पड़ेगा। एक तो ये इतनी ओवर पावर्ड अपनी ये पिकेक्स है ना, कि एक टच करो तो 10 चीज़ें तो उड़ जाती हैं। तो यहाँ से निकलते हैं पहले। हाँ निकल गया, तो ये तो मेरे को लगता नहीं ट्रेड करेंगे, तो दूसरा पिक रहता है अलग से थोड़ा सा फोर्ट। ये हाँ ये रहा हमारा पोर्टल, तो इधर से ऊपर चलते हैं क्योंकि जिंदगी में चलना है तो हमेशा ऊपर जाओ। जिंदगी में चलना है तो ऊपर जाओ, नीचे क्या रखा है। बस आगे तो आने रही शायरी, गंदी शायरी, लेकिन अभी चलते हैं। अपने को फोर्ट्रेस बगल में मिल गया पता नहीं कैसे, तो फोर्ट्रेस में चल। ओ भाई अबे पीछे से वार करती है, रुक जा। है क्या ये ब्लेज ही है क्या? हमको ब्लेज स्पॉनर भी शायद मिल गया भाई, ये तो खतरनाक ही।
पीछे ही पड़ गई है शायद, इधर ही इसका स्पॉनर होना चाहिए, इधर आसपास ही दिख रही है। तो चलते हैं, अबे तू कहाँ जा रहा है, वापस आ। तो चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं कुछ मिल जाए हमको, स्पॉनर वगैरह तो सही हो जाए तो अपनी एक एक ऑब्जेक्टिव तो कम से कम पूरा हो जाए। तो वापस चलते हैं, यहाँ तो कुछ मिला नहीं, सामने की तरफ देखते हैं अगर कुछ हमको मिल जाए शायद से तो। और ये ब्लेज लगता है, ये क्या बक्स आ रहे हैं, बक इसको मारो। ये तो मर ही नहीं रहा, इतना खतरनाक लग रहा है डेविल। अरे अपने पास ओवर पावर्ड एरो है, बो है, तो क्या करने ये कोई। एक तो ये पता नहीं कौन है पीछे से हमला करे जा रहा है। अरे यार ये इसको पहले मारना पड़ेगा, कहाँ पे गया ये, कौन है मेरे ख्याल ना, ये पीछे से ही कोई मार रहा है हम लोग। तो इतना अंधेरा रहता है ना यहाँ पे, कुछ दिख ही नहीं रहा सब जगह इतने। ये देखो कहाँ से आ रहा है, ये है सामने, हाँ भाई सामने, हाँ मेरे दुश्मन। चलो छोड़, अरे अरे अरे, ओ शिट ओ शिट, अपने डायरेक्ट लावा में गिर रहे थे, मैंने क्विट तो कर दिया। अगर अभी हम ज्वाइन हुए तो हम लोग डायरेक्ट मर जाएंगे, तो क्या करूँ, देखते हैं। ओ शिट 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 शिट, ओ भाई जाइए जल्दी ऊपर, चलो ऊपर टोटम ले रख लेते हैं, ऐसा करते हैं और डायरेक्ट ऊपर जाके कुछ बिल्ड बिल्ड करके देखते हैं। ऊपर तो आ गए हम ऊपर, भाई जल्दी कर, ब्लॉक लगा ब्लॉक लगा, ब्लॉक। वो मर रहे हैं भाई, मर बच, जस्ट हम बचे जस्ट। अरे यार क्या करूं, अब यहाँ से हम भाग जाएंगे। पहले तो हेल्थ बढ़ा लो अपनी, सबसे मेन काम यही है। अगर हम इधर मरे तो अपना सारा सामान चला जाएगा और अपने को कुछ मिलने वाला नहीं है। और यहाँ से हम बाहर कैसे जाएंगे, मतलब इसको तोड़ के देखेंगे। हाँ चलो भाई अपना थोड़ा शायद हम निकल सकते हैं, मेरे को लग रहा है। तो यहाँ से सीधा हम निकल जाएंगे बाहर। तो हमने जो बिल्डिंग ब्लॉक लिए थे वो अब काम आएंगे, पता नहीं कैसे पर अब काम आएंगे। तो यहाँ से सीधा हम ऊपर चलते हैं और फिर देखते हैं, ऊपर मिलते हैं थोड़ी देर में। बहुत बड़ा है वैसे ये, इसको तोड़ने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो फाइनली हम ऊपर पहुंच गए बस, और ये हम बाहर पहुंच गए। और वो ब्लेज एक बार मिल जाए ना मेरे को, इतना मारूंगा उसे। पहले तो ये भरो यार, यहाँ से गिर गया था, पता नहीं किसने खोल के रखा है ये। सीधा ऊपर चलो यहाँ से। ये तो एक तो इतनी तेज तेज तोड़ रही है ना, इतनी पिकेक्स, इतना तेज चाहिए भी नहीं। ये देखो एक टूट तोड़ो दो दो टूट जाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाना है हम लोगों को, नीचे तो कुछ मिला नहीं हमें स्पॉनर वगैरह, ऊपर चलते हैं। तो फाइनली वी आर हेयर, हमको, ओ भाई ये क्या है, काला काला सा ब्लैक स्केलेटन भी होता है क्या इधर, इसको मारते हैं पहले, तो मर गया शायद। ओ मुझे कुछ दिख रहा है सामने, लेकिन बच के चलना पड़ेगा यार, कोई पंगा ले नहीं सकते हम, इसको भी मारो अपने भाई। एक चीज़ तो सही हो गया है, अपने निशाने थोड़े सही हो गए हैं, कुछ छोड़ा तो है। अरे हड्डी दी है यार, हड्डी क्या करूँ मैं। तो सबसे पहले तो स्पॉनर मिल गया है हमको, ब्लेज भी मिल गई है, एक ब्लेज दिख रही है सामने, यहीं से मार सकते हैं ऐसे। यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत तो है शायद से, निशाना नहीं लग रहा, मार तो दिया हमने पर मेरे ख्याल से एरो से मारने से हमको स्पॉनर वो नहीं मिल रही, ब्लेज ब्लेज रॉड। तो शायद हमको एक्स से ही मारना पड़ेगा उसको। भाई भाई रुक जा रुक जा भाई रुक जा रुक जा, थोड़ा सांस तो लेने दे, दो दो एक साथ आ गई। हमको ब्लेज रॉड ही नहीं मिल रही, ओ मिली एक मिली, हाँ एक्स से मारने से मिल रही है, तो सारे को मार के फिर मिलते हैं। तो काफ़ी देर लड़ाई चलने के बाद मुझको कुछ ब्लेज रॉड तो मिल चुकी है, पता नहीं कितनी मिली है, देखी नहीं मैंने, बस मैं मारे जा रहा था। तो
ऐसा करते हैं, थोड़ी हेल्थ फूड करते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। हमको मिल चुकी है कुछ 14 ब्लेज रॉड, मेरे ख्याल से बहुत होगी इतनी। हमको अभी सिर्फ चाहिए एंडर पल। तो ए तू क्या कर रहा था, जासूसी कर रहा है मेरी? बता किसका जासूस है तू, चल छोड़ निकल। तो यहाँ से चलते हैं सीधा, तो नीचे जाएंगे, फिर हमको एक बायोम ढूंढना पड़ेगा जिसमें हमको ये, इसको भी मारूं क्या? चल छोड़ो, छोड़ देते हैं, बच्चा है बेचारा। तो यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट नीचे अपना होटल के पास। अरे शायद से हम थोड़ा सा गलत आ गए, हमको ऊपर जाना था, तो मैं डायरेक्ट होटल के पास ही मिलता हूँ, तो वहाँ से चलेंगे। तो मैं पोर्टल पे आ चुका हूँ, चढ़ने के बाद वहाँ से हम गलत चले गए थे। तो अभी देखते हैं, हमको एक बायम ढूंढना है, वो क्या बोलते हैं उसे, मेरे को बायम याद नहीं है उसका नाम क्या है, मेरे को कमेंट्स बताना अगर तुम लोगों को पता है उस बायम को क्या बोलते हैं। तो काफ़ी देर मैंने ढूंढा, बिल्ड किया, और पीछे देखो इतना सब मैं तोड़ तोड़ के इधर तक पहुँचा हूँ। तो यहाँ पे अरे अरे कौन है भाई, किसको इतनी दिक्कत है, मेरे को ही सब जलाने में लगे हैं, कुछ तो मिल रहा है यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे एक निशानी लगा देते हैं, तो हम वो जहाँ से गिरे हैं तो नीचे यहाँ क्या पता हमको मिल जाए वो बायोम जहाँ पे स्केल वो एंडरमैन हमको मिल जाए। तो हम लोग यहाँ पे निशानी लगा देते हैं ताकि हमको याद रहे कि हमको यहीं से वापस जाना है। तो निशानी लग चुकी है, देखते हैं थोड़ा ढूंढने चलते हैं अगर कहीं मिले आसपास। और ये भी हमें मिल गया है, पूरा आधा घंटा हो गया है मेरे को माइनिंग करते हुए, और आधे घंटे बाद ये मिला है हमें। तो चलते हैं, सो ये है सबसे इजीएस्ट वे, हमको बस इसको मारना है और ये आके बैठ जाएगा बोर्ड में, और बस फिर हमें बस इसको इसकी करनी है पिलाई। और ऐसे करते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद सारे हैं। पल इकट्ठा करके तो फाइनली अपने को 16 एंडर पल भी मिल चुके हैं। तो यहाँ से भटकते हैं और सीधा चलते हैं अपने पोर्टल के पास जो कि यहीं आसपास ही है। तो यहाँ से हमें जाना होगा ऊपर, जो कि हम निशाने लगाए थे, हम बगल में ही थे अपने उसके। तो इसको भी मार के देखते हैं, हमने ट्राइडेंट एक बार भी यूज़ नहीं किया है, देख लेते हैं कैसे है। तो काफ़ी देर लड़ाई के बाद मैंने इन सभी को मारा, और अब यहाँ से चलते हैं ऊपर। और ये सब मैंने माइनिंग किया है अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ से हम वापस घर जा रहे हैं, जो ये मैंने खोद खोद के पूरा बनाया है। तो अपना पोर्टल भी आ गया है, पास में ही है, तो यहाँ से सीधा चलते हैं। अपने को सब कुछ पास में मिल गया था, पता नहीं अपनी किस्मत थोड़ी अच्छी थी, बगल में फोर्ट्रेस, उसके थोड़ी दूर पे ही वो बायोम जो कि तुम मेरे को कमेंट में बता देना उसका नाम क्या है। और हम आ गए हैं अपने विलेज में दोबारा, और अपनी क्रॉप्स भी थोड़ी सी उग गई है, तो इनको तोड़ते हैं और कलेक्ट करते हैं सारा ओपी आइटम, फिर देखते हैं हमें क्या क्या मिला है। चलो तो मुझे कुछ ड्रैगन एग जैसा दिख तो रहा है, ये हमें ड्रैगन को मारने की ज़रूरत ही क्या है? और मैं यहाँ ड्रैगन की बात कर रहा हूँ और हमें मिल चुका है इलाइट्रा, तो बनाते हैं अब डायरेक्ट इसको, और इसके बनाएंगे एंडर ऑफ आई, और डायरेक्ट चलते हैं अब उड़ के। और यहाँ से हमको इस तरफ जाना है, ये टूटी नहीं, बस बस नहीं टूटा। तो अब ये सब उठाते हैं, पहनते हैं अपना इलाइट्रा, और स्काई इज़ द लिमिट एज यू नो। तो चलते हैं यहाँ से, नहीं मैं सोच रहा था पहले सुबह कर लेते हैं क्योंकि रात को अपनी लड़ाई अलग अलग हो जाएगी मॉब से, तो सीधा सुबह निकलेंगे अब। तो अभी मैं सो के आया हूँ थोड़ी देर पहले ही, तो यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं और देखते हैं कि अपना एंड सिटी का वो गुप्त रास्ता कहाँ पे गुप्त बंद है, आज हम उसको ढूंढ ही निकालेंगे। तो देखते हैं दोबारा हम सही जा रहे हैं कि नहीं। हाँ तो हमको इसी तरफ जाना है, बस ये टूटे ना। हाँ नहीं टूटा, तो अब यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं। और काफ़ी देर उड़ते उड़ते रात हो चुकी है, और मैं शायद सही जा रहा हूँ क्योंकि एंडर आए इस तरफ ही थी, और
मैं आगे गया तो वो पीछे हो गई, पीछे गया तो आगे हो गई। तो इतने एरिया में ही कहीं आसपास अपना वो इलाका छुपा हुआ है, तो एक बार देखते हैं। और वो कहाँ गया भाई, देखो पीछे चला गया। अभी मैं आगे गया था फिर पीछे गया, वो टूट गया। एक तो अपनी आई सब टूट रही है, तो एग्जैक्ट मिल गया है काफ़ी देर ढूंढने के बाद। ये यहीं पे ही है, यहीं कहीं आसपास, ये नीचे है। तो थोड़ी सी लाइट लगाते हैं, काफ़ी अंधेरा है इधर। तो माइनिंग करते हुए तुमको पता ही कितनी ओपी है मेरी ये पिकैक्स। तो मेरे को बहुत सारे कोल मिला और मैंने 3 स्टैक बना लिया। और लाइट की तो ज़रूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि हमारे पास इतनी लाइट है। अरे यार कौन बुलाता है इसको, कौन है ये यूजलेस बंदा, आके पड़ जाएगा सिर पे, कुछ काम है नहीं इसे। तो काफ़ी देर माइनिंग करने के बाद मेरे को वो फाइनली मिल ही गया, अपने नीचे ही था। तो मैं पूरा ढूंढने लगा, और ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर मैं सब जगह आधा मैंने ढूंढ लिया लेकिन नहीं मिला। फिर मैं जैसे ही वहाँ से राइट गया, मेरे को वो मिल A गया। few moments later. अरे जाने दे भाई, अरे भाई जाने दे, क्या दिक्कत है, इतनी इतनी देर बाद मैं पहुंच। ओ ये रहा, फाइनली वी गॉट इट। तो यहाँ से सीधा अंदर चल। ओ ये क्या आ रहा भाई, ये तो मैंने पहली बार ही देखा है, इसको मारो भाग तेरी। तो यहाँ से सीधा अंदर चलते हैं और इसको तोड़ो पहले, शायद यही स्पॉनर है उसको। अगर अभी यही टूट जाता तो अपनी वीडियो यहीं खत्म थी, क्योंकि इसके बिना हम जा नहीं सकते अंदर। तो इसकी आवाज़ सुनो तुम, क्या आवाज़ है, मतलब इसको लगाने में इतना मज़ा आता है ना कि क्या बोलो। तो सीधा अब चलते हैं इसके अंदर। हम लोग फाइनली यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो ये अंडर आई किसी काम की नहीं रही, तो इसको फेंको और सीधा अब जाएंगे इसके अंदर। ओ शिट, अब तो हमको यहाँ से बिल्ड करके जाना पड़ेगा। ओ नहीं, हमारे पास तो इलाइट्रा है, हम तो उड़ के जाएंगे। हम तो पहली बार एंड में आए हैं और हमारे पास पहले से ही एक इलाइट्रा है। ओ माय गॉड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सब तोड़ते हैं और सारे क्रिस्टल तोड़ के उसकी उसको थोड़ा सा कमज़ोर करते हैं, वरना वो हील हील करता रहेगा। तो मैं सोचा था कि सारे मैं तोड़ देता हूँ, उसके बाद जब तक हमको इसको मारने में थोड़ी सी आसानी होगी, तो उसके बाद मिलते हैं हम इसको सब तोड़ के। तो फाइनली मैंने सारे तो तोड़ दिए हैं, बस शायद एक या फिर दो बचे हैं। यहाँ इतना अंधेरा है कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है ऑनेस्टली। तो ये बचा एक शायद, और इसके अलावा मेरे ख्याल से एक और बचा है। तो ये दोनों भी हमको तोड़ने हैं। इसके इसको मारे बिना तो मेरे को नींद आने वाली है नहीं आज। तो इसको मारेंगे आज, थोड़ा सा इसको देखते हैं, और ये हील कर दे रहा है। तो ये इसको देखते हैं, सब तोड़ते हैं। और तेरे बिना नींद मुझे आती नहीं, तो तू मरेगा आज तेरे बिना। तो काफी देर हो गई है, मैं इसको बिल्कुल मार नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये नीचे ही नहीं आ रहा है। एक तो ये नीचे नहीं आ रहा, और नीचे आता है तो सीधा उड़ा देता है मेरे को। और इसको तो ओ ये स्ट्रेंथ पोशन मैंने पिया, और इससे हम लोग इसको हाथ से मार रहे हैं, इसकी आधी हेल्थ हो गई है। फिर ये उड़ गया। एक तो बहुत धीरे धीरे नीचे आता है, ये नीचे ही नहीं आ रहा है। इसको कोई नीचे उतार दो तो मज़ा आ जाए। आया तो बाहर आया, बहुत देर से मैं इसको वेट कर रहा था। एक तो इसको एरो नहीं लग रहे, हाथ से ही मारना पड़ेगा। काश मैंने स्ट्रेंथ की पोशन और ली होते तो हम इसको डायरेक्ट हाथ से ही मार पाते आज। तो नीचे आ जाए, इसको नीचे उतार दो। मेरे पास यही एक रेसिस्टेंस का पोशन बचा है, इसके अलावा स्ट्रेंथ का पोशन अपने पास है ही। मैं इस ड्रैगन से परेशान हो गया, नीचे नहीं आ रहा है, इसको कोई रोक लो। सही बता रहा हूँ, इसको कोई रोक लो, वरना मैं इसके ऊपर ही जाके थप्पड़ थप्पड़ बजाऊंगा। अबे रुक जा, नीचे आ जा, रुक जा।
रोक लो, रोको, कितनी देर घुमाइए मम्मी, भाई रोक ले, अबे भाई, अरे भाई रोक ले साले कुत्ते। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या दे रहा है, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। A few moments later. तो काफी देर आपसी झड़प के बाद मैंने इस ड्रैगन को थोड़ा बहुत लो कर दिया है, मतलब थोड़ी सी ये हेल्थ बची है, तो ये नीचे आ रहा है, तो इसको इस बार तो इसको मार ही दूंगा, इस बार कुछ चांस लेना नहीं है, तो इसको जाके डायरेक्ट मारेंगे। अरे यार उसे तो लग नहीं रहा, लगता है पास जाके ही मारना पड़ेगा। ओ भाई इसने उड़ा दिया हमको, अब तुम्हारा आ जाएगा वाटर बकेट ट्रिक। क्या मतलब नहीं हुआ, रिप्ले दिखाओ रे, स्लोमो में दिखाना ताकि पता चले कि तेरे भाई ने वाटर बकेट ट्रिक करी है ढंग से। मुझको नौकर समझा है क्या, अपना काम खुद ही कर। अरे यार दिखा दो यार, यहाँ फर प्लीज बोल, प्लीज यार दिखा दो। पानी तो आगे गिरा है और बोल रहा है कि वाटर बकेट ट्रिक करी है। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। वो किसने बोला ये सब रिव्यूले प्ले दिखाने के लिए। अच्छा तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसे हंसने में? ठीक है, कोई बंदा मेहनत कर रहा है इतनी देर से ड्रैगन को मार रहा है, लेकिन इनको क्या हंसना है? समझ गया, पहले खेलना तो सीख ले। तो बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है, अब हम सीधा जाएंगे और जाके घुस जाएंगे इसके वहाँ और इसको सीधा ही मारेंगे। अब ये बचने नहीं वाला ड्रैगन, कुछ भी हो जाए। आ गया नीचे, अब गया है बेटे, तू इधर आ, इधर आ। अब फिर से अब तुमको दिखाऊंगा असली वाटर बकेट ट्रिक, ये देखो। म्यूजिक, तुमको दिखाऊंगा असली वाटर बकेट ट्रिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी वीडियो बाकी है, कहाँ जा रहे हो? अगर तुम लोगों ने वीडियो ध्यान से देखी है तो तुम्हें पता होगा कि मेरे को मिले थे दो टोटम, और टोटम मीन्स टू एक्स्ट्रा लाइव्स। तो एक टोटम मैंने यूज करा था जो कि हम जब ड्रैगन से लड़ाई कर रहे थे, तो उसने मेरे को पता नहीं कैसे हवा में ही हवा के ऊपर फेंक दिया और एक टोटम वहाँ पे वेस्ट हो गया, और फिर मैंने नीचे जाते हुए करी वाटर बकेट ट्रिक, और उसके बाद ये जो पानी था मैं उठाना भूल गया और मैं वहाँ से चला गया और मेरी बकेट में पानी नहीं था, तो सेकंड टोटम यूज़ होना चाहिए था कहीं और, लेकिन पानी था नहीं और यहाँ पे मेरा दूसरा टोटम हो गया वेस्ट, और थर्ड तो तुमने देख ही लिया है। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, इफ यू डिड देन मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब, और तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय। It's not a game, it's a rage game.